अक्षर आनंद सहपरिवार किताब पठन जन जागृति के मुख्य प्रवर्तक विनोद शेंगे द्वारा समाज के हर परिवार और छात्र के साथ किताबों का नियमित पठन कर बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा मिले इसलिए प्रयास करना चाहिए। यह प्रयोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अक्षर आनंद सह कुटुम्ब पठन जन जागृति मुहिम परभनी से नागपुर साइकिल यात्रा कर जन जागृति करने के लिए विनोद शेंगे साइकिल यात्रा कर निकले थे। कई दिनों की यात्रा कर सोमवार को यह साइकिल यात्रा पार्श्वनी स्थित साई वाचनालय पहुंचकर इस यात्रा का समारोह किया गया। समारोह कार्यक्रम के दीप चंद पालीवाल प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र पुलिस पाटिल संगठन की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस मौके पर पंचायत समिति उपसभापति करुणा भोते, सामाजिक कार्यकर्ता नीता सोनवरे, सामाजिक कार्यकर्ते दिवाकर भोयर, प्रमोद काकड़े, जीवोदय फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनाली काकुनिया, शिक्षक ओंकार पाटिल, रुपेश खंडारे, विजय भूते, सिंधु चौहान प्रमुखता से उपस्थित थे। वहीं पार्श्वनी शहर में वाहन चालक मालक संगठना तथा जीवाड़ा बहुदेशीय सामाजिक संस्था की ओर से साइकिल यात्रा पर निकले विनोद शेंगे का शाल श्रीफल देकर सत्कार किया गया। इस मौके पर वाहन चालक मालक संगठना तथा जीवाड़ा बहुदेशीय सामाजिक संस्था के सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज समाज के हर परिवार में बच्चों के साथ माता पिता मोबाइल का ज्यादातर उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से किताबों का महत्व कम होता जा रहा है। किताबों का नियमित पठन किया जाए, छात्रों के साथ उनके माता पिता और पूरा परिवार भी किताबों का पठन करे, यह संदेश सभी और पहुंचाने के लिए विनोद शेंगे ने परभनी, पुसद, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, अक्षर आनंद सह परिवार वासन जन जागृति साइकिल यात्रा निकालकर जन जागृति कर रहे हैं। किताब का पठन ज्यादा से ज्यादा किया जाए इसलिए विविध उपक्रम के माध्यम से जैसे पुस्तक वाचन स्पर्धा, वाचन संस्कार केंद्र और मैंने पढ़े हुए पुस्तक आयोजित किए गए। इस यात्रा के दरमियान छात्रों तथा माता पिता के साथ विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन खुशाल कापसे ने तथा आभार प्रदर्शन साई सार्वजनिक वाचनालय के कार्यवाह पुष्पा पारिवाल ने किया। नमस्कार, मी विनोद शेंडगे। मागच्या 5 दिवसापासून परभणी ते नागपूर हा सायकल प्रवास करत होतो। आज पार्श्वनी या ठिकाणी आपल्याशी संवाद साधतोय। प्रवासामध्ये वाचन चळवळ, वाचन संस्कृती समाजामध्ये रुजावी, वाचनाचं सामाजिकीकरण व्हावं, वाचनाचं सार्वजनिकीकरण व्हावं, वाचन हे घराघरात गेलं पाहिजे, वाचन हे कुटुंबाकुटुंबात गेलं पाहिजे, वाचनानंच व्यक्तिमत्व समृद्ध होतं आणि म्हणून आम्ही हे वाचन चळवळ मागच्या 5 वर्षापासून पूर्ण मराठवाड्यावर राबवतोय। यावेळेस विदर्भात नागपूरला येतोय आणि प्रवासामध्ये कुटुंब असतील, कुटुंबामध्ये राहणं असेल, वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी राहणं असेल, या ठिकाणी राहत आजचा हा जवळपास 500 किलोमीटरचा हा सायकल प्रवास पूर्ण होत आहे आणि आपल्या सर्वांशी संवाद साधून, पार्श्वनीकरांशी संवाद साधून खूप आनंद होतोय। धन्यवाद। इनबेसन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।